हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग एजुकेशन सेंटर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी सेल्फ स्टडी कैसे करें, टॉप 10 टिप्स जो आपको सेल्फ स्टडी करने में हेल्प करेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक लक्ष्य अच्छे से सोच लेना है कि आपको क्या करना है, और उसको सोच करके ही आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। सेकेंड, आपको एक रूटीन बनाना है। आपको रूटीन बनाना है किस टाइम आप उठेंगे, किस टाइम आप अदर एक्टिविटीज़ करेंगे, किस टाइम आप खेलेंगे और किस टाइम आप पढ़ेंगे। थर्ड टिप है, आप हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और अपना ध्यान इधर उधर न लेके जाए। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप सुबह के टाइम पढ़ें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश होता है, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, रट्टाफिकेशन न लगाएं। हमेशा एक समय तय करें कि इस टाइम से इस टाइम तक आप पढ़ेंगे। एक टाइम टेबल अपना बनाएं और उसको अच्छे से फॉलो करें सिंसियरली। हमेशा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, उसका रट्टाफिकेशन न लगाएं, कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि यदि आप उनको समझेंगे तो आपको लंबे समय तक वे चीज़ें याद रहेगी। हमेशा रिविज़न करें। रिविज़न करने के लिए आप अपना डे फिक्स कर सकते हैं। आप एक दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 28 दिन बाद रिविज़न कर सकते हैं। रिविज़न करने के लिए आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, जिससे कि आपको अपनी गलतियाँ पता चले और उन गलतियों में आप सुधार करें, अच्छे से करेक्शन कर पाए। नेक्स्ट होगी, जब भी आप कोई अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करें तो खुद को रिवार्ड जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।